15 अक्टूबर को जब भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच होगा तो अहमदाबाद में होटल रूम के रेट बढ़ गए हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार वेलकम होटल बाय आईटीसी और रेनेसा अहमदाबाद होटल 15 अक्टूबर के लिए क्रमशः 71999 रुपए और 90679 रुपए चार्ज कर रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोर्टयार्ड बाय मैरियट और हयात जैसे 5 सितारा होटलों में कमरे उपलब्ध नहीं है। आईसीसी ने वनडे विश्व कप 2023 के अपने 2 मैचों को स्थानांतरित करने के पाकिस्तान के अनुरोध को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से अफगानिस्तान के खिलाफ मैच को चेन्नई से बेंगलुरु और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच को बेंगलुरु से चेन्नई में पुनर्निर्धारित करने का अनुरोध किया था। हालांकि आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार वे बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया और चेन्नई में अफगानिस्तान से भिड़ेंगे। वनडे विश्व कप क्वालिफायर 2023 की शुरुआती सुपर सिक्स अंक तालिका में वेस्टइंडीज की 0 अंकों के साथ प्रवेश की पुष्टि हो गई है। श्रीलंका और जिम्बाब्वे ने ग्रुप चरण से 4-4 अंक हासिल किए हैं और शीर्ष 2 स्थानों पर काबिज हैं। स्कॉटलैंड तीसरे स्थान पर है। सुपर सिक्स चरण गुरुवार से शुरू होगा। क्रिकेटर ऋषभ पंत ने अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर बायो अपडेट किया है। 30 दिसंबर 2022 को एक कार दुर्घटना में लगी चोटों से उबर रहे पंत ने अपने सोशल मीडिया बायोस पर दूसरी जन्मतिथि 5 जनवरी 2023 जोड़ी है। पंत को 4 जनवरी को मुंबई के कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था और बाद में उनकी सर्जरी की गई। भारत के आयरलैंड के T20 दौरे के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। भारत 3 T20 मैच खेलेगा। सभी मैच मलाहाइड में होंगे। पहला T20I 18 अगस्त को होगा, जबकि बाकी 2 T20I 20 अगस्त और 23 अगस्त को होंगे। ये श्रृंखला भारत के वेस्टइंडीज दौरे के समापन के तुरंत बाद होगी।